जी अगर उसका कोई करीबी बहन या वालदा फौत हो जाए 10 दिन के बाद अच्छा जी ये बहुत ही अहम सवाल है। आम तौर पर लोगों में ये गलती पाई जाती है कि जिस औरत ने इद्दत में बैठना है वो सिर्फ एक कमरे में ही बंद हो जाएगी, वो घर से बाहर नहीं निकल सकती। इद्दत में जो अहकाम है वो कंघा नहीं कर सकती, वो सुरमा नहीं लगा सकती, वो मेकअप पाउडर सज सवर बन सवर नहीं सकती, वो बड़े जेबो जीनत वाले लिबास नहीं पहन सकती, लेकिन वो बीमार है तो डॉक्टर के पास जा सकती है। घर में कोई चीज ला के देने वाला नहीं है, बाजार से जाके ला सकती है। शर्मो हया उस पूरे पैरामीटर के अंदर कोई करीबी अजीज फौत हो गया है उसके ताजियत के लिए जा सकती है, लेकिन वहां जाकर फिर वो जो हल्ला गुल्ला या वो क्या मैं लफ्ज कहूँ हंसी मजाक वो नहीं करेगी, गम की कैफियत में रहेगी। जा सकती है, शामिल हो सकती है, शादी में जाके शामिल होना उसके लिए जो है वो नहीं है जाए, लेकिन वो जरूरी काम के लिए बाहर भी जा सकती है, ये काम कर सकती है। जी रह सकती है, कोई ऐसा मसला नहीं है। हाँ जी जी, निकाह हुआ है, रुखसती नहीं हुई और शौहर फौत हो गया तो उस औरत को हक महर भी मिलेगा और विरासत भी मिलेगी। जी जी ठीक, अपने रिश्तेदार लेके जाता है जिथे भी चला जाए जी। शरई तौर पर तो मसला ऐसा ही है कि शोहर की इजाजत के बगैर उसकी बीवी उसके घर से बाहर नहीं जा सकती। यहाँ तक कि उम्मुल मोमिनीन आयशा रजी अल्लाह अन्हा ने भी अपने अब्बा जान के घर जाना था तो इजाज़त मोहम्मद करीम सल्लम से ली थी। हकीकत तो यह है अगर एक शौहर जो है वो बद अखलाक है, जालिम है, जुल्म करता है, मारता है, तो इस्लाम ने खुला का रास्ता भी तो रखा है, औरत फिर उस हक को ही ख़त्म करवा ले, उससे खुला ले ले। और अगर खुला नहीं लेती, वैसे आके वो नाराज़ हो के अपने माँ बाप के घर में बैठ जाती है, तो हदीस में बहुत सख्त वईद है कि उस पर अल्लाह भी नाराज़ है और फरिश्ते भी उस पर लानत करते हैं। या तो शौहर के घर में रहेगी या फिर उससे खुला ले लेगी। जो शरीयत का मसला है हमने वही बयान करना।